पूरे देश में गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भिवंडी शहर पुलिस उपायुक्त कार्यालय और प्रांत कार्यालय पर ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी गई। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं, भिवंडी शहर शासकीय ध्वजारोहण प्रमुख कार्यक्रम प्रांत कार्यालय के प्रांगण में प्रांत अधिकारी अमित सानप इनके हाथों ध्वजारोहण करके तिरंगे को सलामी दी गई। जहां इस ध्वजारोहण के कार्यक्रम में भिवंडी शहर के कई राजनीतिक सामाजिक संगठन और पत्रकार भारी संख्या में उपस्थित होकर गणतंत्र दिवस पर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। SDO ऑफिस भिवंडी, यहाँ पे जो भी हमारे शहर के तालुका के रिस्पेक्टेड लोग हैं उनके साथ आज गणतंत्र दिन मनाया गया है। झंडा वंदन यहाँ पे किया गया है। आज के दिन मैं आप सभी लोगों को यही विनंती करना चाहूँगा कि जिस कारण उस वक्त मतलब राष्ट्र निर्माण के कारण जो भी बलिदान हुआ है या फिर प्रजा की सत्ता लाने का जो प्रयास सक्सेसफुल हुआ था उस वक्त, उसी प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे राष्ट्र को सशक्त करने के लिए आप सभी लोगों का योगदान प्रशासन में सामाजिक जीवन में ज़रूरी है। इसलिए आज के दिन मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ एक प्रशासन और सामाजिक जो लोग हैं उन सभी का सहयोग के आगे हमारा जो सब डिविज़न है उसमें काम आगे बढ़ाएंगे। दूसरी तस्वीर भिवंडी पुलिस उपायुक्त कार्यालय के प्रांगण में ध्वजारोहण कार्यक्रम पुलिस उपायुक्त नवनाथ ढवले के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर भिवंडी पूरब और पश्चिम के पुलिस सहायक आयुक्त के साथ 6 विभाग के पुलिस अधिकारी और कई पुलिस जवान मौजूद थे और भिवंडी वासियों को देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट। सर्व भिवंडी पुलिसांच्या वतीनं सर्व भिवंडीवासियांना प्रजासत्ताक दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा। आज मोठ्या धुमधाममध्ये सर्व पोलीस स्टेशनमध्ये प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्यात आलेला आहे। सभी भिवंडीवासियों को भिवंडी पुलिस की तरफ से गणतंत्र दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू।